सरकार में रहते हुए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी आप कह सकते हैं, वो लगातार चर्चा में बने रहे। सरकार गिरने के बाद भी आदित्य ठाकरे चर्चा में हैं। वो शिवसेना की शिव संवाद यात्रा को लेकर घर घर में जा रहे हैं, शिव सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि मोदी सरकार के राडार पर हैं आदित्य ठाकरे। बड़ा ही गंभीर सवाल है, बड़ा ही गंभीर आरोप भी कह सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के वक्त किए गए कामों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। आदित्य ठाकरे पर्यावरण बचाने के नाम पर मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो कार शेड बनाए जाने के विरोध में मुहिम चला रहे थे। अब उनका पर्यावरण विभाग ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के राडार पर आ गया है। पिछली ठाकरे सरकार के 2.5 सालों के दौरान पर्यावरण विभाग के कामों का अब ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यकाल के वक्त के 2.5 सालों के कामों का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। इनमें खासतौर से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामों का ऑडिट शुरू किया गया है। इससे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी टेंशन में आ गए हैं। बोर्ड के कार्यभार को लेकर कोई नई योजनाएं या सूचनाएं आए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सामने न आ जाए जिससे प्रदूषण नियंत्रण विभाग की साख और प्रतिष्ठा खराब हो। अधिकारियों को इस बात की चिंता है, केंद्र सरकार ने मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, रायगढ़ में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों में पिछले 2.5 सालों के कामों का ऑडिट करवाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में मुख्यालय से लगे हुए नागपुर कार्यालय में ऑडिट का काम शुरू किया गया। इसके बाद अलग अलग चरणों में अन्य विभागों के कार्यालयों में कामों के ऑडिट को लेकर विभाग प्रमुखों को सूचना दे दी गई। सरकार चलाते वक्त भी आदित्य ठाकरे कई चीज़ों को लेकर, कई मामलों को लेकर चर्चा में बने रहे थे। कम लोग जानते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग वो संभाल रहे थे। अब उस दौरान उन्होंने इसमें क्या क्या काम किए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनमें कुछ पेंच फंस सकते हैं, और अगर खबरों की माने तो अंदर खाने ये खबरें बहुत स्पष्ट हैं कि जितने भी अधिकारी उनके मंत्रालय से जुड़े हुए थे वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ निकलेंगी तो सिर्फ आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े नहीं होंगे, कई और लोग इसके लपेटे में आएंगे। इस सब के बीच में आदित्य ठाकरे सिर्फ अपनी राजनीति को लेकर चर्चा में नहीं रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी उसके मामले में भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था, और उस पूरे मामले में भी लगातार आदित्य ठाकरे चर्चा का विषय बने रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले में कोई जानकारियां बाद में सामने नहीं आई, या फिर बहुत ही स्पष्ट तौर पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे सीधे आदित्य ठाकरे को मामले में जोड़ा जाए। इन सारी चीज़ों के बीच में ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में कई पुरानी फाइलें खुलने वाली हैं। हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें सिर्फ बात आदित्य ठाकरे की नहीं है, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए अलग अलग मंत्रालयों में जो भी काम हुए हैं वो कई सारे मंत्रियों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडिट की शुरुआत या फिर काम को सबसे पहले देखने की शुरुआत हुई है तो वो आदित्य ठाकरे के मंत्रालय से हुई है। इसमें ये बात तो बहुत साफ है कि इन कामों के दौरान या उनके मंत्री रहते हुए जो जो भी काम हुए हैं उनमें कहीं कोई अनियमितता तो नहीं थी, सबसे पहले इसका पता लगाया जाएगा, और अगर ऐसा पाया जाता है तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।